हेलो फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का। पीछे दो क्लास पढ़ा चुके हैं और उसका अगला क्लास है। आज इस क्वेश्चन देखते हो, हर एग्जाम के दृष्टि से यहाँ क्वेश्चन आते हैं और सचिवालय का भी जो वैकेंसी अभी फिलहाल में है उसका भी यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। और देखिए आज इसका क्वेश्चन बनाते हैं। इसको कहता है क्वेश्चन, साधारण ब्याज वार्षिक दर से, कहता है साधारण वार्षिक दर से 6.12% से 8% हो जाता है। कितना दिन 6.12% से बढ़कर कितना है 8% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपया की वृद्धि हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल है। कहता है 6.12% से कितना बढ़ जा रहा है 8%, ठीक है। तो कितना का अंतर हो रहा है इसको तोड़ते हैं। 6.5 आधा 6.5 कितना हो जा रहा है 8% ठीक है। कितना बढ़ा अंतर कितना हो गया 1.5 का, 8 में से 8.5 घटा देंगे अंतर कितना हुआ 1.5 का। इतना बराबर हमको कितना दे दिया है, इतना रुपये की वृद्धि होता है जब भी अधिक या कम अधिक कहे, कौन सी वृद्धि या कम कहे, हमेशा अंतर लेंगे, ठीक है। कम या अधिक क्या करेंगे अंतर लेंगे, क्या करेंगे अंतर। तो एक जगह कम हो रहा है, एक जगह ज़्यादा हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसको अंतर ले लिए। इतना बराबर कितना लिख देंगे 40.50, ठीक है। इतना परसेंट हुआ, 1% बराबर कितना हो जाएगा 40.5 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1.5 गुना 100 से मल्टीपल कर देंगे, इसको काट देंगे, हमारा मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। 1.5 अंतर कितना हुआ 1.5 का, 1.5% बराबर इसको ले लिए तो 1% यह जाएगा इधर भागा में, और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे यहाँ से, यहाँ पॉइंट है, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ कितना 00 बैठ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से उड़ाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा एक पॉइंट जब एक अंक तो एक जीरो हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे 3 3 5 15 तीन से करेंगे, 3 1 3 कितना हुआ 3 3 9 3 3 9 3 5 15 1 0 आ गया। और क्या करेंगे अब 1350 इसको करेंगे, 5 का 5 5 2 10 1350 में इधर लिखते हैं 1350 गुने कितना करेंगे 2 कर देंगे, 1350 आया तो इसको 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2700। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपली क्वेश्चन है, इसको भागा करके 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो एक अंक एक पॉइंट एक अंक 0 हो जाएगा, इसमें 2 उड़ाएंगे तो यहाँ 5 जब 1 लिखेंगे और 2 अंक तो 2 0 100 से 100 कट गया। अब इसको काटेंगे, 3 से काट देंगे 3 1 3 10 3 1 10 3 3 9 3 5 15 1 0 यहाँ जाएगा, 1350 में 200 गुना करेंगे तो कितना जाएगा 2700 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और अच्छा ट्रिक से बताएंगे इसको, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है एक जमा पैसा 2 साल में 720 रुपया हो जाता है, 2 साल में कितना होता है 720 रुपया हो जाता है, और 7 साल में, फिर कहता है 7 साल में कितना होता है 1020 रुपया, ठीक है, 1020 हो जाता है, ठीक है। तो किस दर से पैसा जमा हो रहा है 2 साल में 720 रुपया और 7 साल में 1020, ठीक है। तो किस दर से पैसे जमा रहा इसको सोल्व करते हैं। 2 ईयर में, 2 ईयर में कितना हो रहा है 720 रुपया, ठीक है।
और फिर 7 साल में कितना, 7 ईयर में कितना हो जा रहा है, 1020 रुपये, ठीक है, 1020। ये दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना अंतर है, घटा देंगे 7 में से, दोनों का अंतर कितना, 7 में से तो गया 5 साल का, फिर ये दोनों का अंतर ले लेंगे, इतना में से इतना घटाएंगे, 20 में 7 में 300, कितना अंतर हुआ, 300, 5 साल में 300, 1 साल का लेंगे कितना, 5 साल में 300 होती, 1 साल के इसको काट देंगे, 5 6 30, कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 2 ईयर का 200 गुना कर देंगे तो 60 गुना 120, ये क्या हो, 120 हो गया, ठीक है। फिर हम इसको घटा देंगे, 2 साल में कितना हुआ, 720, 120 का करेंगे इसमें से घटा देंगे, 720 में से क्या करेंगे, 120 घटा देंगे, 600 हो गया, ये हमारा क्या हुआ, मूलधन हुआ, क्या हुआ, मूलधन, ये हमारा ब्याज हो गया, कितना, ये हमारा ब्याज हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ब्याज हो गया। आपका तो किस दर से हमको दर निकलना, किस दर से, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई गुने 100, पी गुने टाइम हो जाएगा, ठीक है, एसआई गुने 100 प्रिंसिपल माने मूलधन, पी गुने टी हो जाएगा, तो हमको दर निकल जाएगा, एसआई कितना हमको 1 साल के लेंगे, 2 साल का कितना हुआ, 160, 1 साल का कितना था 60, तो 2 साल का 120, तो अगर 1 साल का लेंगे तो कितना लेंगे, 60 लेंगे, 60 गुने 100 लिख लेंगे, पी माने मूलधन कितना है, ये प्रिंसिपल हो गया 600, और टाइम के 1 साल का है, जब दर 1 साल का ब्याज लेंगे तो 1 साल का टाइम लेंगे, 1 कर देंगे, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, क्या हुआ, 14 के 60, 10%, आर बराबर है कितना आंसर आ गया, 10% आंसर हो गया। इसमें समय का अंतर ले लेंगे, इसमें ये अमाउंट हो गया, ये मिश्र धन हो गया, कितना, ये मिश्र धन, तो 5 7 7 में से 2 गया 5 7, इसका अंतर लेंगे, कम से कम घटा देंगे 300, 1 साल का निकल जाएगा, तो 2 ईयर है, तो 2 साल का लेंगे 60 गुना 120, तो हमको दर निकालना थी, जब 2 साल में गए तो 2 साल में से 120 आए थे, 720 में से 120 घटा देंगे 600, ये मूलधन निकल गया, दर का था, तो दर को ऐसा गुना 100 PRT कर देंगे, इसको बैठा के काट देंगे, 10% आ जाएगा आंसर। यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसको, 60 गुना 120, 60 गुना कितना हो जाएगा, 2 साल का 200 गुना कर देंगे, 2 साल कितना होगा, 60 गुना 120, यहाँ पे नहीं दिख रहा, इधर इधर लगता है कितना काट रुपया, 10%, आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 10% हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो भी पिछला बताएं, बस उसी का अगला भाग उसका ही क्वेश्चन है, वीडियो रोक देख सक बना सकते हैं। कहता है एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 550 रुपया तथा 4 वर्ष में 650 रुपया हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करना, मतलब मूलधन ज्ञात करना। एक राशि है जो 3 वर्ष में 550 रुपया होता है और 4 वर्ष में 650 रुपया, तो मूलधन कितना होगा, फिर वैसी बनाएंगे, 3 वर्ष में कितना हो गया, 550 रुपया, ठीक है, और फिर 4 वर्ष में 400 में कितना हो गया, 650 रुपया, ठीक है। इन दोनों का अंतर ले लेंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1 वर्ष का, ठीक है, अब इन दोनों का अंतर घटा देंगे, ठीक है, 0 0 हो गया, 6 में से 5 गया 100, कितना का अंतर हुआ, 100 रुपया का, ये मिश्र धन या क्या हुआ, मिश्र धन हुआ, ये भी मिश्र धन हुआ, ठीक है, मिश्रधन हुआ, 4 में से 3 गए, 650 में से कितना गया, 550, 100 का, हमको 3 वर्ष तक जाना, एक वर्ष था, एक वर्ष बराबर कितना हो गया, 100 रुपया, 3 वर्ष बराबर कितना होगा, 3 से क्या करेंगे, दूना, 3 वर्ष लेना है तो 300 गुना करके 300 हो गया, क्या हुआ, 300, ये क्या हुआ, और ब्याज हुआ, 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 100, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 300,
अब फिर आप कह रहा मूलधन कितना होगा, तो मूलधन कितना होगा जो ब्याज हुआ ये मिजधन, तीन साल के लिए, तीन साल के लिए ये है तो ब्याज मिजधन से हम ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो 500 में से ये मिजधन में से 550 में कितना घटा देंगे, 300 रुपये घटा देंगे, कितना घटा देंगे 300 रुपये, ठीक है। कितना बचेगा 550, ये क्या हुआ 250 हमारा मूलधन हुआ, क्या हुआ ये हमारा आंसर हुआ 500, तीन साल के लिए तीन साल का ब्याज तो घटा देंगे 550 में से 300 गया तो कितना बचा 250, ये हमारा आंसर हुआ मूलधन।